दोस्तों डिस्क में एलएमबी लगी होती है, आपकी एलएमबी कभी ख़राब हो गई है या फिर आपका क्लैंप टूट गया है, तो आपको अब बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे एलएमबी को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप ही बदल लोगे, आपको सिग्नल भी कम नहीं पड़ेगा। न्यू एलएमबी लाएं या फिर आपका ये क्लैंप एलएमबी का क्लैंप जो ब्लैक कलर का है, अगर वो टूट जाता है तो अपने आप लगा सकते हो। कैसे लगाना है वो प्रोसेस आप सीखिए, जिससे कि आप लोग आसानी से किसी भी बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको करना क्या होगा, एक आपको मार्कर लेना होगा। मार्कर लेने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है कि जहाँ पर आपको जीरो दिख रहा है, जीरो के सामने से आपको एक इस तरह का परमानेंट मार्कर से या वाइडनर है आपके पास तो उससे आप लोग सीधा सीधा लाइन खींच देंगे, कि जिसकी वजह से होगा कि आपकी एलएनबी भी निशान आ जाएगा और यहाँ पर अगर आपका क्लैंप टूटता अगर नया लाते हैं तो आपको जीरो के जीरो सामने इस निशान को मिला के लगा सकते हो, या फिर आपकी एलएनबी नहीं लाते हो तो करना क्या होगा, आपको इस तरह का निशान यहाँ पर दिख रहा है, ठीक इस तरह का अंदाज दे सकते हो कि यहाँ पे नंबर लिखे हैं। अगर आपके एलएनबी में नंबर नहीं लिखे हैं आपको इस तरह लगा लेना है, जहाँ आपका पोर्ट है वैसे ही आपको जहाँ निशान लगाए वहाँ पर इसे एडजस्ट करके आप लोग लगा सकते हो। ये सिंपल सा आपको बताने की कोशिश कि अपने आप ही एलएनबी को बदल सकते हो, तो आप लोग देख सकते हैं और हमने निशान यहाँ भी मार चुके हैं और आप लोग देखिए मैंने यहाँ भी मारा था, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं अपने डिस्क में इस तरह आप लोग लगा लेंगे निशान तो आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर आंधी तूफान में आपकी डिस्क सिल्पी नो सिग्नल की प्रॉब्लम बताता है तो आप लोग ऐसे सही कर सकते हो। मैंने निशान भी लगा दिया है जिसकी मदद से कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एलएनबी बैग के बारे में एलएनबी आप लोग सही कर सकते हो। इस तरह आपको न्यू लगा सकते हैं, अगर न्यू लगाने पर नो सिग्नल की प्रॉब्लम आती है तो डिस्क को नए लाएँ। आप सबसे पहले ऑटो स्कैन एक बार कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक ले जय हिंद जय भारत।